जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है। घट घट के बासी फिर भी मर घट के बासी भोलेनाथ है। भगवान शिव जी के पास भगवान शिव जी के पास जो भी साज है कोनो साज अच्छे नहीं है। चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो चाहे घोड़ो हो चाहे ततैया हो कोनो साज अच्छे नहीं है। लेकिन आनंद के देने वाले हाँ सुख समृद्धि को देने वाले हैं। देखिए आप कैसे हैं भोलेनाथ। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है। और घट घट के बासी फिर भी मर घट के बासी भोलेनाथ है। भस्म लगा के भस्म किया है भस्म लगा के भस्म किया है। नाम हुगा कामारी जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा संकरी गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ हाँ ऐसे हैं। भस्म शरीर पे लगी है लेकिन भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव को भस्म किया है भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने। जय हो जटाधारी भगवान। हाँ ऐसे हैं भगवान। भस्म लगाए हैं लेकिन भस्म करने की सामर्थ्य है कामदेव को भस्म करने की। जिस कामदेव पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई किसी ने न देवताओं ने न किन्नरों ने न नाग ने न सुर ने किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई लेकिन उस कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। देखिए यही से तो कही यही से कह रही कि भगवान शिव जी के पास जितने सामान हैं जितने हाँ सामान हैं वे सब अमंगल हैं लेकिन मंगल के देवी बारी। देखो अमंगल भगवान शिव ने ले लो और मंगल संसार खन ले लो। ऐसे तो कही हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हाँ बड़ी चीज पाई। नाम प्रभा शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशी। नाम प्रभा नाम प्रभा नाम प्रभा शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। ऐसे तो कही गई भगवान का करो भगवान ने। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है।
घट घट के बासी फिर भी मरघट के बासी भोलेनाथ हैं। भस्म लगा के भस्म किया है, भस्म लगा के भस्म किया है, नाम हुआ कामारी जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा शंकरी, गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। भगवान भोलेनाथ ने जब जहर का प्याला पिया, विष का प्याला पिया, और उस समय पे आज वाकई में विष हो तो नहीं, जहर होता नहीं बिल्कुल, लेकिन शिव जी ने जब पान किया तो उस जहर की दो चार बूंदें गिर गई, दो चार छह बूंदें गिर गई उस जहर की, तो उन बूंदों को पान कर लिया सांप ने, बिच्छू ने, गोयरे ने, जितने जो जहर के विषधारी जो जीव हैं ना, उन जीवों ने उसको पान कर लिया, इसलिए नहीं तो संसार में जहर होता ही नहीं, शिव जी सब पान कर गए थे। देखिए हम कहा है, पिया विष का प्याला शिव ने, चढ़ा कुछ अनोखा ऐसा रंग है, ऐसा विष का प्याला पिया भोलेनाथ ने, और ऐसा प्याला पिया कि उस जहर की वजह से भगवान शिव जी खुद अवधूत हो गए, ऐसे अवधूत हो गए कि भगवान शिव को भी पता नहीं है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। हाँ, शिव जी को पता नहीं है, मैया गौरा बड़ी परेशान है, और शिव जी के मुंह से क्या निकल रहा है ये मैया गौरा को पता है। देखिए हम, पिया विष का प्याला शिव ने, चढ़ा कुछ अनोखा ऐसा रंग है, मुख से जो शिव के निकला, सुन कर के गोरा हुई दंग है। क्या निकला भगवान शिव के मुंह से उस समय जब जहर पान कर लिया ना, बिल्कुल अवधूत हो गए भगवान शिव को, कोई शुद्ध नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है शंकर जी को। हाँ, ऐसे ऐसे बोलने लगे शंकर जी, ओम ह्रोम, ओम जू, ओम सह, ओम भू, ओम भुवा, ओम सुहा, इस तरह से जब निकला। देखिए आप, मैया परेशान है, मैया सुनती जा रही है बोले कि भोलेनाथ के मुंह से क्या निकल रहा है। अरे मुख से जो शिव के निकला, सुन कर के गोरा हुई दंग है, जो उनके मुंह से निकला क्या बन गया आज, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय। हाँ, मुख से जो शिव के निकला, सुन कर के गोरा हुई दंग है, महामृत्युंजय मंत्र बना जो, महामृत्युंजय मंत्र बना जो, निकले थे उद्गार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा शंकरी, गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। वही जो शिवजी के मुखारविंद से शब्द निकले, वही शब्द आज महामृत्युंजय का मंत्र बन गए। देखिए आप, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक मेव बंधनान, मृत्योर्मुक्षीय मामृतम्। महामृत्युंजय जाप बन गया। हाँ, मुख से जो शिव के निकला, सुन कर के गोरा हुई दंग है,
तो पहली बार सुन रही है, पता भी नहीं है, ये तो शब्द भी संसार में नहीं थे। अब सोच रही है मैया जी के भगवान जाने क्या क्या बक रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आया मैया को, लेकिन क्या निकल गया उनके मुंह से देखिए आप। महामृत्युंजय मंत्र बना जो, महामृत्युंजय मंत्र बना जो, निकले थे उद्गार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा शंकरी, गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। हाँ, कैसे हैं भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, देखिए आप। ये दरबार जटाशंकर महाराज, भगवान भोलेनाथ जटाशंकर का दरबार ऐसा है, हाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन लोगों को दुनिया सताए, दुनिया परेशान कर दे, उनको भगवान भोलेनाथ स्थान देते हैं। देखिए आप, एक बार जब चंद्रमा पर कलंक लग गया, चंद्रमा पर कलंक लग गया संसार के लोगों ने, पृथ्वी के लोगों ने, सबने चंद्रमा को कलंक कलंकित कह दिया कि चंद्रमा में कलंक है, चंद्रमा कलंकित है। लेकिन भगवान शिव ने क्या किया देखिए आप, जिसको संसार त्याग देना उसको भोलेनाथ अपनाते हैं जटाधारी, और जो जटाधारी की सेवा में पहुंच जाए कैसा हो जाता है। देखो जटाशंकर कहां उसको स्थान देती कहा, जिसका रहा ना कोई अपना सुनिश्चित कोई जान, जिसका रहा ना देखो अपना सुनिश्चित कोई रूप है, जग में कलंकित हुआ अपनी करनी के फल स्वरूप है। जिस जग ने, जिस संसार ने चंद्रमा को कलंकित कह दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की जब शरण में चंद्रमा पहुंचे, भगवान ने देखो क्या किया, कहां बिठा लिया उस चंद्रमा को, भोलेनाथ ने अपने सिर पर बिठा लिया। संसार ने जिसको कलंकित कर दिया उसको भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं के ऊपर बिठा लिया, इसलिए कह रहा हूं। तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम और पड़ा है जिसे कहते हैं चंद्रमौली भगवान शिव। जग में कलंकित हुआ अपनी करनी के फल स्वरूप है, चंद्रमौली कहलाए हीरा, चंद्रमौली कहलाए हीरा, लिया शीस पे धार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा शंकरी, गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। ऐसे हैं जटाशंकर भगवान, इतने भोले भाले, इतने भोलेनाथ हैं कि जब हम पहली बार जटाशंकर गए तो एक मन में एक भाव सुनिए, हाँ, हमने सोचा कि बहुत बड़े शंकर जी हुई हैं, बहुत बड़े जटाधारी हुई हैं, हाँ, हम सोच रहे थे बहुत बड़ी विशाल मूर्ति हुई है, हाँ, और जब शंकर जी के दर्शन करें हम, हाँ, शंकर जी के जब दर्शन करें जब समझ में आई, हाँ, जो गौमुखी से जल गिर रहो, जटाशंकर में गौमुखी से जो जल गिर रहा हो वो में जब स्नान करके भोलेनाथ के दर्शन करी, देखो कैसे हैं भोलेनाथ। रूप है अमंगल लेकिन मंगल के राशि भोलेनाथ है, और घट घट के बासी फिर भी मर घट के बासी भोलेनाथ है।
भस्म लगा के भस्म किया है, भस्म लगा के भस्म किया है, नाम हुआ कामारी जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरे जटा शंकरी, गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए,